क्या बात है उर्मी, क्या स्पीच दिया है तुमने। वैसे कहाँ से सीखे तुमने इतने अच्छे डायलॉग? मतलब तुम लोग को मेरी मेहनत की इज्जत नहीं है? रात भर बैठ के एक एक फिल्म स्टार का सारा देशभक्ति का स्पीच देख डाला, सारा डायलॉग रट डाला मैंने, तब जाकर निकला मेरे अंदर से इतना बड़ा देशभक्त। जो भी हो, फंक्शन अच्छे से हो गया और ये इम्पोर्टेंट है। ए, क्या रे चटक चंदी, तू काहे के लिए मुंह लटका के बैठी है? अरे केस को लेकर इतना मत परेशान होइए, वो सुलझ जाएगा और वो जो ऐप वाला लड़का है ना, उसे हम पकड़ ही लेंगे। हम केस के बारे में नहीं सोच रहे पुष्पा जी, हम अनु भैया के बारे में सोच रहे हैं जो इस वक्त केबिन में है और हमारा इंतजार कर रहे हैं, और हमें नहीं मालूम कि हम उनका सामना कैसे करेंगे। अनु भैया, अनुभव सर, जिन्होंने सही वक्त पे आके हमारा तिरंगा संभाल लिया था। हाँ, वो नहीं भी होता तो भी मैं पकड़ लेती। ए, ये अनुभव भैया वही छे ना, तेरी हसीन दिलरुबा का आइटम, उसका एक्स बॉयफ्रेंड। क्या मस्त है रे, एकदम हीरो के जैसा। तुम लोग के हसीन दिलरुबा मैडम है तो बहुत किस्मत वाली, क्या मस्त हीरो जैसा लड़का मिला था उसको। और इधर एक मैं उर्मी, इधर तो चीटा भी भावनी देता अपने को। हट। हाँ, और अनुभव सर भी नहीं देंगे क्योंकि वो सिर्फ मैडम सर से प्यार करते हैं। अरे रे 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 रे, इतना प्यार करता ही था तो सगाई तोड़ के लिए काहे को गया? तुम चुप रहोगी? पुष्पा जी सुनिए, हमें लगता है कि हमें अनु भैया को सच्चाई बता देनी चाहिए। उनको बता देना चाहिए कि अब मैडम सर इस दुनिया में नहीं रहे, और ये जो सामने है ये मैडम सर नहीं है, ये उर्मिला मात्र है। उनको पता होना चाहिए ये बात। पुष्पा जी, क्या है ना पुष्पा जी, हम पूरा दुनिया से छुपा सकते हैं सच्चाई को, लेकिन अनु भैया से नहीं छुपा सकते हैं। उनसे झूठ बोलने का हिम्मत ही नहीं है हमारे अंदर। जय हिंद अनु भैया। जय हिंद। कैसी हो बहना? सुनते रहते थे हम तुम्हारे बारे में, और हमें बहुत प्रसन्नता होती थी जब हमें यह पता चलता था कि समय के साथ साथ हमारी बहना और भी परिपक्व और भी बुद्धिमान होती जा रही है, और बहुत ही सूझबूझ के साथ अपना कर्तव्य निभा रही है, और इस बात की हमें बहुत खुशी है। कैसे हैं आप? ठीक हूं। हसीना जी कहाँ हैं? कुछ बताना है अनु भैया हमें आपको, जो बहुत जरूरी है। बात यह है कि हम यहां हैं। तुम आप यहां क्या कर रही हैं मैडम सर? हम यहां क्या कर रहे हैं? करिश्मा सिंह, ये हमारा केबिन है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम बाहर जाइए। का? बाहर जाइए। कि मैडम सर, हम वो अपने अनुभव। करिश्मा सिंह, हमारे केबिन से बाहर जाइए। इट्स एन ऑर्डर। अगर आपको आपत्ति ना हो तो हम हसीना जी से एकांत में वार्तालाप कर सकते हैं। जी। क्या आप अपना संपूर्ण जीवन हमारे साथ व्यतीत करने के लिए तैयार हैं? अनुभव कहाँ है? आपको, सगाई को, शहर को, हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए वो चले गए। जय हिंद हसीना जी। जय हिंद सर। कभी सोचा नहीं था कि भविष्य में फिर कभी आपको यूं साक्षात सामने देखेंगे। इस वक्त जो खुशी हमें हो रही है वो हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। मुझे भी हो रही है।
मतलब हमें भी हो रही है? इतने दिनों बाद आपको देखकर अच्छा लग रहा है हमें भी। हमने आपके साथ जो किया वो क्षमा के योग्य नहीं है। फिर क्या किया? हम मानते हैं हम आपके गुनहगार हैं। बहुत चोट पहुंचाई है हमने आपके हृदय को। यूं ही आपको अकेला छोड़कर चले गए मसीना जी, सगाई पर भी नहीं आए। इससे बड़ी पीड़ा कोई किसी को कैसे पहुंचा सकता है? अरे वो उसका कुछ नहीं, उसका वांदा नहीं, मतलब धंधा है ना, ड्यूटी सबसे पहले, बाकी सब बाद में। वैसे भी अपनी खुशी से कौन किसी को छोड़कर जाता है? लोग तो सुबह सुबह रजाई भी नहीं छोड़ते, आपने सगाई छोड़ दी। हम आपका व्यंग समझ रहे हैं हसीना जी, समझ रहे हैं कि आप हमारा उपहास उड़ा रही हैं, और होना भी चाहिए। आपके साथ जो हमने किया उसके बावजूद भी, उससे पहले हम आपको कुछ बताना है जो बहुत जरूरी है और आपको पता होना चाहिए। क्या जरूरी बात करनी है करिश्मा सिंह? यह बात यह है कि हम बताते हैं। करिश्मा सिंह दरअसल ये कहना चाहती हैं कि फिलहाल हमारे पास एक बहुत ही जरूरी केस है जिस पर हम सबको फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये सारी पर्सनल बातें तो केस सॉल्व हो जाएगा उसके बाद भी हो सकती हैं। करिश्मा सिंह सही तो कह रही हैं, फर्ज पहले बाकी सब बाद में। दरअसल गलती हमारी है, हमें ये पूछना चाहिए था कि क्या ये समय निजी बातों के लिए अनुकूल है या नहीं। हम बस आए और शुरू हो गए। बख्शी सर ने कहा था कि हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए उर्मिला की बात भी हमें अनुभव से राज ही रखनी होगी। अब आप दोनों इस केस पर ध्यान दीजिएगा, हम आप दोनों से बाद में मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय का 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 तुम हर बात पे काहे टांग अड़ाती हो अपनी? हाँ, काहे नहीं हमको बताने दिया अनुभव भैया को कि तुम मैडम सर नहीं हो, तुम उर्मिला हो? अरे वो बेचारा आदमी तुम्हारा अनु भैया कितना प्यार से ऐसे आंखों में दिल निकाल के मेरे को देख रहा था, और तू उसको ये बताने वाली थी कि इसकी आइटम बट ले? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि जब अनु भैया को पता चलेगा इस बारे में तो क्या होगा। क्या होगा? जो हसीना डार्लिंग को रोमांस मिलता था वो अभी उर्मिला मात्रे को मिलेगा। काई को मेरी लव स्टोरी के बीच में टांग अड़ाती है। हेलो, हाँ जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। हाँ हाँ सर, ओके सर, जय हिंद सर। अरे वो मटके डीएसपी का फोन था रे। क्या भाषा है ये? हिंदी। अरे वो बोल रहा था कि कुछ तो उधर बहुत बड़ा भयंकर राड़ा बीड़ा हो गया है, तो बुलाया अपने को। हम तो चलो फिर। चलो चलो, उसको अकेला मत छोड़ना। हाँ नहीं छोड़ेगी। क्या कहा था तुमने? कली का कुत्ता दूर खड़ा होकर सिर्फ भौंकता है। सॉरी पर ये कुत्ता जरा दूसरी नस्ल का है, ये सिर्फ भौंकता ही नहीं है, काटता भी है। और जब ये कुत्ता काटता है तो इसके घाव का दर्द जिंदगी भर नहीं जाता, जैसे अब तुम्हारा नहीं जाएगा। दुनिया भर में तुम्हारी भी बोली लगा दी है मैंने, तो अब हिम्मत है तो मुझ तक पहुँच कर दिखाओ। हम सब जानते हैं हमारे शहर के अपराधी इतने निडर हो गए, उन्हें पुलिस का और कानून का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। अरे आम जनता को तो छोड़िए, सीधे सीधे पुलिस को निशाना बना रहे। आप लोगों को चुनौती देने का मतलब जानती है? पुलिस विभाग को चुनौती देना, और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये हम नहीं जानते, लेकिन 24 घंटे के अंदर ये अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होना चाहिए, नहीं तो मजबूरन आप लोगों को सस्पेंड करके इस केस पर किसी और को नियुक्त करना होगा। जा सकते हैं आप लोग। जय सर। जय। संतू, संतू जी, संतू उठो। उठिए संतू जी, उठिए। मैं कब से सो रही हूँ पुष्पा जी, मैं सोई कब? हमारे पास टाइम कितना? शांत हो जाओ। हम तो कह रहे थोड़ी देर आराम करो। बिल्लू ने हमें बताया पूरी रात तुम लैपटॉप के सामने बैठी थी उस बोलती बंद ऐप वाले का सुराग ढूंढने के लिए। नहीं 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 पुष्पा जी, टाइम बिल्कुल भी नहीं हमारे पास, सिर्फ 24 घंटे हमारे पास, हमें उस ऐप वाले को पकड़ना है पुष्पा जी, नहीं तो डीएसपी सर हम सबको सस्पेंड कर देंगे।
संतु जी आप कल से काम कर रही हैं, थोड़ा कुछ खा पीकर आराम कर लीजिए, उसके बाद काम कीजिएगा। तो एक काम कर, एक अदरक वाली गर्मा गर्म चाय लेकर आ, मेरा सर फट रहा है। ठीक है, हम लेकर आते। मेरे लिए भी। पुष्पा जी एक मिनट, ये देखें। क्या है ये? बोलती बंद ऐप जैसा एक और नया ऐप है जिसमें मैडम सर की फोटो अपलोडेड है और उस पर बोली भी लगाई जा रही है। और ये देखिए मैसेज भी है इस पे। पढ़ो पढ़ो। आई सपोर्ट बोलती बंद ऐप, हसीना मलिक के साथ जो भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, यही होना चाहिए था उसके साथ। लो हसीना मलिक, अब तो मैंने भी तुम्हारी फोटो अपलोड कर दी, यहाँ भी धड़ल्ले से तुम्हारी बोली लगाई जा रही है, पकड़ सको तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। ओह माय गॉड, यहाँ एक हाथ नहीं आ रहा है तो दूसरा पैदा हो गया। ये आदमी है या कुकुर मुर्ते? यार एक के साथ दूसरा एकदम फटक से आ गया। नहीं, मैं अपना बिल्लू निवास शेयर नहीं कर सकता। बिल्लू माँ चुप करो, जाके पहले करिश्मा जी को बोल दो नहीं ऐप के बारे में। जाओ। हद है हद, मुसीबतें आती है तो चारों तरफ से आती है। एक को पकड़ना इतना मुश्किल हो गया था, अब ये दूसरा पता नहीं कहाँ से आ गया। मिल गया पुष्पा जी, ये दूसरा वाला मिल गया मुझे। पता चल गया कहाँ से? बताओ। एक मिनट, ये क्या है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है पुष्पा जी। क्या हुआ बताओ ना जल्दी। पुष्पा जी ये दूसरा अपलोड जो हुआ है वो यहीं से हुआ है, मेरे लैपटॉप से। क्या? हाँ मतलब ये देखिए, ये देखिए आईपी एड्रेस मेरे लैपटॉप का ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसने किया ये? संतु जी लीजिए चाय और इधर बिरयानी खा लीजिए, फिर आप इत्मीनान से काम कीजिएगा। नहीं कर सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, बोलिए तो क्या करना है। मेरी फोटो अपलोड हो गई क्या? बोली कहाँ तक पहुंची है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर बचा कौन है पुष्पा जी? उर्मिला कौन? हेलो जयंत सर। सर माफ कीजिए लेकिन हम ये नाटक अब और नहीं कर सकते, हम सच्चाई नहीं छुपा सकते। हम अपनी पूरी टीम को बताने वाले हैं कि हम हसीना मलिक ही हैं। हमने सभी को परख लिया है और श्योर है कि हमारी टीम में से कोई भी कल्प्रिट नहीं है। हम बस आपको इन्फॉर्म करना चाहते थे सर। मिशन की कामयाबी के इतने नजदीक पहुँच कर मैं तुम्हें कोई ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करने दूंगा। I'm sure. अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है उसे जानकर इस केस को लेकर तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। ये जो कुछ भी चल रहा है ना, ये मेरी तुम्हारी कल्पना के बहुत परे है। ऐसा कौन सा राज है सर? ये हम फोन पे डिस्कस नहीं कर सकते, मिलके बात करते। जी सर। जय हिंद। हाँ चटक संदी बोल, अभी क्या नया फटाका फोड़ने वाली है तू? क्या किया तुमने? तो पता चल गया। हम सबको पता है कि आपने क्या किया। कभी कभी तुम लोग पुलिस वालों का काम कर लेते हो। हम तुम्हारा ये ड्रामा, ये चोचलाबाजी का बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या किया तुमने? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हसीना मैडम का फोटो अपलोड करने का? ये तुम्हारा ही करतूत है ना? हाँ मेरेज करतूत है। करतूत, वेरी गुड। अभी देखो थोड़ा जरा आंखें खोल के देखती ना फटाकड़ी तो मालूम गिरता कि ये तुम्हारी पकाओ हसीना मैडम नहीं है। मैं उर्मिला महादेव मात्रे। अरे रुक जरा देखते। ए, कितना बोली लगा रही मेरा। ए, हट, छे, एक ही लाख रुपए लगा। ए, क्या रे कोई वैल्यू ही नहीं है, कम से कम 10 लाख का बोली लगा था, फालतू 1 लाख में भूखट इज्जत का फटाका गया। किसके कहने? तुमने किसका परमिशन लिया? तुमने किससे पूछा यहाँ पे तुम कौन हो? तुम हसीना मैडम की नकल कर रही हो, उनकी तरह बन रही हो तो क्या हसीना मैडम समझने लगी हो खुद को तुम? पुलिस थाना है ये, गंभीरता समझो यहाँ की, यहाँ पे गलती का एक गुंजाइश नहीं होता है। तुमने किसी से भी पूछा इतना बड़ा कांड करने से पहले? संतु डिलीट करो। ए नहीं रुक। अरे पहले डिलीट करने से पहले देख तो ले कि उसने जवाब क्या दिया ये बोलती बंद का, पहले वो तो चेक कर ले। जब देखो तब रुक गए। क्या जवाब आया देख, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, मुझे अपना नंबर भेजो।
मैंने नंबर भेज दिया। क्या टोपा हो क्या तुम? तुम्हें टाइम पास ही करना है तो जाके तुम्हारा वो लगोरी खेलो ना जाके। ये क्या टाइम पास कर रही हो तुम? जा जाके तुम खेलो। संतु डिलीट करो। नहीं नहीं रुको 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 एक सेकंड। डिलीट कर देना जब तुम्हारा मन करे, उसके पहले देख लेते हैं उसने क्या। हे भग। एक ही मंजिल के राही हमेशा दोस्त होते हैं, हमें मिलकर काम करना चाहिए ताकि हसीना मलिक और उसके महिला थाने को ऐसा सबक मिले जिसे वो याद रखे। देखा? नहीं एक मिनट, अपने ही फोन से मैसेज, मतलब हमारे पास उसका नंबर है, हम ट्रैक कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली है कहाँ। अरे मेरी सफेदी की चमकार, क्या मस्त ट्यूबलाइट है। अभी समझा तुम लोग को कि ये सब मैंने काय के लिए किया। अरे इतने टाइम से अपन ये बोलती बन के मास्टरमाइंड के ढूंढने के पीछे लगे, देखना अभी अपन उस तक पहुंच सकते है। मतलब ब्रिलियंट हो आप, इतने टाइम से वो साइबर सेल वाले कोशिश कर रहे लेकिन कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आपने इतने इजीली ट्रैप कर लिया। इतना आसान से केस सॉल्व, गजब गजब है गजब। देखा मैं बोली तेरे को मैं बहुत इंटेलिजेंट है, तू ही मेरे को भाव नहीं देता रे। सॉरी बोलेगी ना तू? किस बात के लिए? अरे काशी आए ही, छोड़ जाने दे मेरे को, मालूम है सोरू बीरी तेरे से होएगा नहीं, बहुत ईगो है ना तेरे में। चल शाबाशी दे दे मेरे को, क्या मस्त काम किया ले मैं। सॉरी तो बोलना है, बोल दो ना मैडम, तुम बोल दो। मैं वो नंबर की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू बहुत मुश्किल से कबूतर हमारे झांसे में आए, हम नहीं चाहते हमारे जंगल से बाहर निकले, तुम समझ रही हो? तुम उसको रिप्लाई करो, तुम उसको लिखो कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। एकदम सही कहा आपने। रिप्लाई आ गया मैडम। का 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 पूछ रहा है कि कहाँ मिल सकते हैं। अब फंसा ना ये कबूतर हमारे जाल में। अब नहीं बच पाएगा ये जो कोई भी है बोलती बंद ऐप के पीछे। मिल गया वो टोपा इंसान, अब हम उसको ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि जब भी मुंह खोलेगा एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखी तो बहुत मगर तुमसा ना देखा। महिला पुलिस थाना जनपद लो। जय हिंद सर। डीएसपी सर क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ वो फाइल हमने बना के रखी है, हम अभी हाँ डिटेल्स देते हैं आपको। जज्बात विद्वत से केस सॉल्व करने का है ना, तू कर बिंदास, कोई टेंशन नहीं। मेरे को ना खाली आजू बाजू रहने, क्या है ना मेरा बचपन से ना एक बहुत इम्पोर्टेंट सपना रहा है कि ऐसा दुश्मन की कटपटी पे बंदूक रखने का और बोलने का, चुपचाप खुद को पुलिस के हवाले कर दो वरना हम तुम्हें बूंद डालेंगे। और फिर ऐसा प्लीज मेरे को चलने दे, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं इस बार केस जज्बातों से सॉल्व नहीं होगा, इस बार हम अपने तरीका से निपटेंगे इनसे। इनकी ये बोतल में बंद करने वाले भूत नहीं है, इनको मुक्ति मिलना चाहिए। इन्होंने मैडम सर पे बोली लगाया ना, इनका बोली हमेशा के लिए बंद करेंगे हम, इनके सीने में दो गोली एक्स्ट्रा दागेंगे कि मैया का। क्या कर रही है? ए, रुक, मेरे को भी चलने का प्लीज। तुमको मना किया ना, तुम जाओ अंदर। अरे ये केस के लिए लीड तो मैं लेके आने, तो मैं तो चलेगी ना। करिश्मा सिंह हम साथ चल रहे हैं, दैट्स एन ऑर्डर। का ये नौटंकी तुम्हारा कोई नहीं देख रहा अभी, समझी? और अभी साक्षात हसीना मैडम भी हमारे सामने आ जाएंगी ना, तो हम उनका बात भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये केस हमें अपने तरीका से निपटाना, समझ में आया? अब जाओ अंदर। चलो तुम क्या किसका राह देख रही, चलो ना। अरे अगर करिश्मा सिंह से गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? नहीं नहीं, इस स्टेज पर आकर करिश्मा सिंह जब इतने सही रास्ते पर है, इनसे कुछ गलत काम नहीं होना चाहिए, हमें इन्हें रोकना होगा। मुझे तो लग रहा है शायद उसे पता चल गया मैडम, तभी वो आ नहीं रहा, हम यहीं पे रुकते हैं। मैडम जिस तरीके से हम लोग उसका इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं और ग्रुप बांध कर हम लोग का इंतजार कर रहा हो। हाँ मैडम, उसके पास हथियार उथियार हुआ तो? तो हम खाली आता है, हमारे पास बंदूक नहीं है। हमारे पास टेंशन मत लीजिए, आपके लिए तो हम हैं। आप देख लीजिए इसका क्या करना है। ना, 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 ना।
कोई आ रहा है, कोई पीछे 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 उधर। लेकिन मैडम 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 तो बच्चा बुतरू लग रहा है, लग रहा है म्यूजिक क्लास करने आया है इधर, ये नहीं है। वाकई बच्चा है बे? लाके पूछ ले मैडम। नहीं 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 अम्मा कॉल लगाओ ना। हाँ हाँ काजल भी तो लगा सकते हैं। बेहतरीन आइडिया। नहीं। हेलो 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 अरे संतु जी मैडम मिशन खत्म कीजिए, एम्बुलेंस बुलाइए, चोट लग गया। हमारा रुको तुम संतु जी हॉस्पिटल चलिए। नहीं नहीं रुक रुक संतु जी आप ठीक तो है? मेरा पैर। कहाँ भाग रहे हो? कहाँ? ये करिश्मा सिंह का गिरफ्त है समझे? अच्छे अच्छे नहीं छूट पाते ऐसे, तुम कहाँ छूटोगे? करिश्मा सिंह गई तो है बोलती बंद ऐप के मास्टरमाइंड को पकड़ने, लेकिन अगर गुस्से में उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया तो हमें बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ सकती है। हमें ही कुछ करना होगा। आईचा गावत बड़ा पावत। क्या हुआ? अरे बहुत बड़ा लोचा हो गया मातारी। आइटम बहुत बड़ा लोचा हो गया। अरे तुम्हारी वो अरे रानी मर्दानी गई है ना विलन को टपकाने के लिए। हाँ तो? अरे तो मैं उसका क्या, मैं बर्बाद हो जाएगी ना उसमें। कैसे? अभी रुको मैं कनेक्शन बैठाती है। वो रानी मर्दानी गई है, वो जाके विलन को टपकाएगी। विलन को टपकाने के बाद अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो तुम लोग पे वो बैठती है ना, वो जो सरकार बैठाती है वो इंक्वायरी। इंक्वायरी बैठेगी तुम लोग पे। इंक्वायरी बैठेगी तो थाना बंद हो जाएगा। थाना बंद हो जाएगा तो मैं आउट हो जाएगी। मैं आउट हो जाएगी तो मेरे को दिन के 2000 मिलना बंद हो जाएंगे ना, और तेरी बहुरानी जेल में जाएगी वो अलग। करिश्मा जी जेल जाएंगे? छे 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 कितनी निर्लज्ज है रे तू। किसी को पड़ी नहीं है मेरी इधर, इतना मेहनत कर रही है मैं, किसी को कदर नहीं है। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं, हमारी बात तो सुनो। मैं सही समझ रही है कि गलत समझ रही है? तू मेरी बात ध्यान से सुन और जाकर रोक अपनी बहुरानी को कहीं से भी, नहीं तो वो जाएगी जेल में और मैं जाएगी रेल में सीधा मुंबई। अरे हम कैसे रोके? जब गुस्से में रहते ना वो किसी की नहीं सुनती। हाँ नॉर्मल होती तो भी आपकी कहाँ सुनती है। अच्छा नहीं लेकिन मला एक सांगा कि वो तुम्हारी हसीन दिलरुबा जब भी थी वो उसकी भी नहीं सुनती थी क्या? नहीं नहीं उनकी हर बात सुनती थी वो। अच्छा कैसे? कैसे मतलब उनकी शब्दों में समझा नहीं सकते तुमको, और याद भी नहीं आ रहा है। उम्र हो गई है। ए तू बता रे क्या करती थी हसीन दिलरुबा, कैसे पटाती थी? प्रवचन देखी। प्रवचन मतलब कान में ऐसा ज्ञान मंत्र फूंकती थी और कहती थी, तजुर्बा कहता है हमारा वक्त की धार, दो टके की तलवार, दुश्मन को खंजर से नहीं बंदर से मारा जाता है, ऐसा ही कुछ बोलती थी। अच्छा ऐसा फालतू का बकवास बोल के हसीना मैडम करिश्मा मैडम को शांत करती थी क्या? लेकिन आप क्यों इतना दांत पीस रही है? मेरे दांत ही ऐसे। अच्छा छोड़ो जाने दो तुम लोग फालतू के लोगों में ही कुछ सोचती है। हसीना मलिक के बहुत अगर तुम यहाँ हो तो सुनो मेरे दिल की पुकार, मेरे दर्द की गुहार, और दो कोई मुझे मस्त वाला आइडिया करिश्मा मैडम को शांत करने का। दो हसीना मलिक दो। मैडम सर आइडिया आ गई मेरे को। रुको सुन 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 आगे भी तो बताओ प्लान। इसके आगे तो मेरे को ही नहीं मालूम। अरे इतना तो करते हैं पहले, फिर उधर देखेंगे ना क्या करने का आएगा। ठीक है फिर हम निकलते हैं। हाँ रख ले अभी तू सुन। माँ मेरा भी कब आएगा? माँ तू इधर आ रहा है कि मैं उधर आऊँ?
वाव नहीं, प्लान फेल नहीं होना चाहिए, कर ल का कर ल। माई तो लड़कियों का बोली लगाते हो तुम, हाँ लड़कियों की इज्जत के साथ खेलते हो तुम, तुम्हें को बहुत मजा आता है ना। अब तुम्हारा बोली हम लगाएंगे और तब तक लगाएंगे जब तक तुम्हारा खाल नहीं उधर जाता है, और तमाशा बनाएंगे पूरा दुनिया के सामने ताकि तुमको पता चले कि जब तुम लड़कियों का तमाशा बनाते हो पूरी दुनिया के सामने तो उन पर क्या बीतता होगा, समझे? बोली मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोगों को पता चले कि बोली लगाने का मजा क्या है, नशा क्या है, किसी जीते जागते इंसान को खरीदने का, और अगर वो इंसान एक औरत हो तो मजा डबल डबल मजा आता है। हाँ, और तो सारे सा घटिया खेल खेलते हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्योंकि औरत इसी लायक होती है, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी हमदर्दी के नाम पर, कभी दोस्ती के और कभी झूठे प्यार के नाम पर, ये औरत ना अपना वुमन कार्ड खेलती है। बहुत ज्यादा दिलजला आशिक लग रहा है तुम ना, तुम्हारा ये विकृत विचार तुम्हारा विकृत मानसिकता के बारे में बता रहा है। मानसिकता सिर्फ दो वजह से होता है बाबू, एक तो परिस्थिति की वजह से, दूसरा परवरिश की वजह से। परवरिश के लिए हम किसी को दोष नहीं देते, लेकिन तुम्हारा परिस्थिति ही बताता है कोई औरत कभी ना कभी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ कभी बहुत ज्यादा खराब की है ना बाबू, उसी के बाद तुमको दुनिया के सभी औरतों में वही औरत दिखती है जो तुम्हारे साथ खराब की है, इसीलिए तुम घर से निकल गया अपना बुढ़िया बिस्तर बांध के झोला लेकर सबसे बदला लेने के लिए। और अगर ऐसा सोचता है ना बाबू तेरे को बात जान लो, ये तुम्हारा गलत फहमी है, सारा औरत ऐसा नहीं होती है मर्दे, ऐसी ही होती है। ये देख रही हो, मासूम सी, ये इनोसेंट, ये शराफत की पुतलिया, ये एक जैसी ही होती है, लेकिन अंदर से लालची, ये अपॉर्चुनिस्ट होती है, अपॉर्चुनिस्ट, पैसे का नाम ले लो, दे ऑल आर गोल्ड डिगर्स। ये ऐसे नहीं मानेगा, भागो भागो वरना यही गोली दाग के ना तुम्हारा खोपड़ा खील खील कर देंगे, समझे? भागो। मैडम आप सच में इसका खोपड़ा खोल देंगी क्या? सच में एनकाउंटर कर रही हैं आप मैडम? ये गलत है मैडम। यार रहूंगा, बैठ जा। अरे भाई साहब, अब खो खो कहाँ लेकर जा रहे हो और मुझे क्यों बचाया? ये डोंट अंडरएस्टिमेट, आई एम अ कॉन्फिडेंट नॉट अ वर, दैट्स व्हाई माय नेम अ गेंदा फ्लावर। मैंने हसीना मलिक का फोटो तेरे ऐप पे डाउनलोड किया, अपलोड किया, पर मैंने सोचा हम एक साथ मिलकर काम करेगा, इसको तुमको फोन करके इधर बुलाया, लेकिन ये अपना मीटिंग लीक कैसे हुआ मालूम नहीं, पुलिस कैसे आया मालूम नहीं, लेकिन ब्रदर यू डोंट वरी, ये गेंदा फ्लावर विद पावर, ये तुमको कोई नहीं छू पाएगा, ऐसा उड़न छू करके ले जाएगा अपना ऑटो में, या पावर। थैंक यू ब्रदर। एक मिनट, कॉल रिसीव्ड, हेलो गेंदा फ्लावर हियर, कैरे टक लिया, दबोच लिया परिंदे को। यस सर। अरे वाह वाह, तू तो काम का है रे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन अभी कफन का दही मुझ पे जम जाता, वो करिश्मा मैडम टाइगर के गोली छोड़ी। अच्छा, छोड़ छोड़, टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का, अभी मैं जो बोल रही हूँ वो कान खोल के सुन। ओके ओके, गेंदा फ्लावर वर्रा फोन गट्टा। क्या मुसीबत है यार,
कहाँ से पड़ गया बैठे बेटा ये पुलिस का पंगा यार पकड़े तो नहीं जाएंगे ना Yeah, brother, don't worry. The kind of flower with is a power. तुमका ऐसी जगह पहुंचाएगा, तुम्हारा तबीयत एकदम बाग बाग खुश हो जाएगा क्यों ऐसे कहाँ लेकर जा रहे हो Yeah, brother, ऐसी जगह उधर हवा में बोली नहीं होता एकदम आमने सामने फेस टू फेस लाइव बोली होता उधर लेके जाता तुमको लाइव चलिए जी हाँ यहीं पे औरतों की नीलामी होने वाली जी अरे पुष्पा जी अरे आप खुद एक औरत हैं ऊपर से आप पुलिस वाली हैं और ऊपर से आप इतनी खूबसूरत हैं बाखुदा अरे हमें आपसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी भाई नवाब साहब ये सब नकली है नकली बोली नकली लोग सब नकली एक मुजरिम को पकड़ने के लिए हमने ये जाल बिछा के रखा है और उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है लेकिन हम क्यों क्योंकि आप पे कोई शक नहीं करेगा क्यों क्योंकि आप शक्ल से लगते हैं सलाम वालेकुम नवाब साहब वालेकुम सलाम आप दोनों कौन अरे हमें पहचान नहीं हम इकबाल इकबाल द बिजनेस टाइकून ऑफ बिरयानी वर्ल्ड ये दोनों मनहूसों को यहाँ आपने क्यों बुलाया पुष्पा जी हमने कोट पैंट पहनने के बावजूद भी मुंह पे बेइज्जती कर रहे मिशन कैंसिल अरे अरे इधर करो 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 तुम दोनों अच्छा पुष्पा जी नवाब साहब आप जो करने के लिए आए हैं वो कीजिए ना अरे तो वही तो कर रहे हैं पुष्पा जी का? मदद मदद करने के लिए आए हैं ना आप हाँ तो सिर्फ मदद कीजिए हमारी जी जी, जी। हाँ। बिल्लू उस लड़के को लेकर आता ही होगा लेफ्ट 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 क्या नवाब साहब भी एक मिनट हाँ बोलो बोलो क्या इस तरह हाँ बोलिए जी बोलिए अच्छा मेरे को बताओ वो अटक लगा हुआ पहुंचा क्या उधर नहीं ना अभी तक नहीं आया वो हम भी कब से उसका इंतजार कर रहे पता नहीं कहाँ अटक गया है अच्छा मेरे को भी आने में थोड़ा टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा दो चार महीने में पता चलेगा तो बताएंगे रख फोन होप कि राहुल को बिल्लू पर शक ना हो जाए वरना बना बनाया प्लान फेल हो जाएगा और आगे जाके वो रुक चुका है कहाँ संतु कहाँ सीधा लेके पहला राइट चीजें थोड़ा सा आगे वो वहीं पर है राइट लो ये देखिए मैडम इतना चालू निकला ही अपना फोन यहाँ छोड़ कर गया है अब कितनी देर हमें इंतजार करना पड़ेगा अरे कहाँ है वो आपका जला हुआ वो कबाब अरे वो कब आएगा कब वो प्लान होगा और कब हम जो है नीलामी की बोरी लगाएंगे हाँ पुष्पा जी देखिए यहाँ बोरी लगाने के लिए अब बिठा रखा है दुकान पे हम किसी और को बिठा के हैं नुकसान हो रहा है अब हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो हमारे सर पे चढ़ के नाच रहे दोनों बैठो और नवाब साहब आप पुष्पा जी बस थोड़ी देर और बिल्लू आता ही होगा बिल्लू का मैसेज आप लोग तैयार हो जाएंगे नाटक के लिए हाँ, 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 हाँ। यार राहुल गुरु कम ये देखो बोलती बंदा लाइव ऑक्शन इधर ही यह बोली के लिए एकदम बड़ा बड़ा लोग इधर बुलाया अब ये बोली लगाएगा क्या बात कर रहे हो आप यहाँ लाइव बोली लगेगी यू डोंट अंडरएस्टिमेट टू मी आई एम कॉन्फिडेंट नॉट ओवर दैट्स व्हाई माय नेम गेंदा फ्लावर गेंदा फ्लावर जी नीलामी लगेगी किसकी यहाँ लड़की का है बोली लगाने के लिए उर्मिला कहाँ रह गई वक्त भी नहीं है हमारे पास अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा पेशेंस ये देखो नीलामी के लिए आ गई औरत लड़की फटाफट बैठ
अरे मियाँ, अरे पुष्पा जी पर बोली लगाने के लिए ना अपना खानदानी शाही हुक्का आमला गिरवी रख देते। ये फटाफट बोली शुरू करता है तो टाइम पास बोली लगा। 1000 ये नल्ला, इसको उठा के नल्ला में फेंक दो। 1011 बोली लगाता तू। 2000 एक का। तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा दी ना। 10000 कहाँ है ये महारानी, हमारे बिक जाने के बाद आएगी क्या? 15000 50000 और ये माल हमारा होगा। ये देखो सुपर ऑफर धमाका। एक लड़की के ऊपर औरत फ्री। अब आ रही है महारानी। अब फिर से बोली लगा। ए तुम चिल्लर नहीं है, राउंड फिगर लग रहे हैं। ओके ब्रो। 60000 60000 एक। 70000 80000 1,00,000 115000 1,00,000 अरे 1,00,000 नवाब साहब आप। ए 1,00,000 के ऊपर बोली बंद। ये बोली नवाब साहब जीत गए। नवाब साहब ये माल आपका हो गया। तालियां बजा रहे नवाब साहब के लिए। ये मोहतरमा हमारी हुई और तुम बुरके वाली मोहतरमा को लेके जाओ। आओ अब जिन्हें हम ले जा रहे हैं, एक बार नकाब हटा के चेहरा तो दिखा दीजिए। आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको किसने लाया यहाँ पर? किसने लाया मेरी माँ को यहाँ पर? मेरी माँ को किसी ने भी छुआ ना, फाड़ कर रख दूंगा मैं। मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मैं खुद आई हूँ यहाँ पे मेरा असली और घिनौना चेहरा देखने। औरतों की नीलामी करता है तू? हाँ ये भी भूल गया कि तुझे पैदा करने वाली भी एक औरत है, जो तुम्हें राखी बांधती है वो बहन भी एक औरत है, और जब तेरे घर में कोई बेटी पैदा होगी ना तो वो भी एक औरत ही होगी। क्या हुआ राहुल, जब बात अपनी माँ पर बनाई तो तुम इतना तड़प उठे, और ऐसे तो तुम पूरी दुनिया में आग लगाने वाले थे। जब बात अपनी माँ पर बनाई तो तुम इतना तड़प उठे, और ऐसे तो तुम पूरी दुनिया में आग लगाने वाले थे। ये ऊपर स्काई नीचे बिल्लू द स्पाई। अब समझ में आया कि जिन औरतों की, जिन लड़कियों की तुम ऑनलाइन ऐप पर नीलामी लगाते हो, उनके घर वालों पर क्या बीतती होगी। वो भी किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। ये दर्द, ये गुस्सा, ये आक्रोश जो तुम इस वक्त महसूस कर रहे हो, यही उनके घर वालों को हर रोज महसूस होता होगा तुम्हारी वजह से। इसीलिए हमें ये सारा नाटक करना पड़ा, ताकि हम तुम्हारे अंदर का भाई, तुम्हारे अंदर का बेटा जगा सके। औरत की इज्जत करना सीखो बेटा, क्योंकि सृष्टि को आगे चलाने के लिए भी ऊपर वाले ने औरत को ही चुना है। हाँ कभी कभी औरत के अंदर का इंसान सही गलत हो सकता है, मगर उसका स्वरूप और उसका वजूद कभी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए किसी एक औरत की गलती के लिए पूरी स्त्री प्रजाति को तुम गलत मत समझो। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ। जो सजा देनी है इसे दे दीजिए।
ले जाइए। इस राहुल के बच्चे को नहीं छोड़ेंगे और उस इंसान को भी पकड़ेंगे जिसने उसको भगाया हमारी आंखों के सामने। हवाई जहाज बनाएंगे ना तुम दोनों देखना इनकी मैया का। चल झगड़े। अरे ये कहां मिला? हुआ ऐसा कि मैं और तेरी सासू माँ गए मस्त चाट खाने को। अरे शांत नहीं मारेगी मैं है ना। उधर वहां जाकर पता चला कि अरे क्या कितनी अच्छी चाट मिलती है यहाँ। पांच प्लेट तो अकेले ही खा गई। अम्मा मुद्दे पे रहोगी तुम? मुद्दा बोले तो पॉइंट। मैडम आप मेन पॉइंट पर आएंगी। मेन बात। अच्छा 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 तो मेन बात फिर ये है कि हम चाट खा रहे थे, चाट खाते खाते ये नूडल की दुकान वहां पर आए और बोले कि बहुत पछतावा हो रहा है, हम चाहते हैं कि कानून हमें सजा दे, हम मैं जेल में जाना चाहता हूँ, और ऐसे बोल के वो रोने लग गया। ये रो रहा था? हाँ। अच्छा। हाँ मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम, मुझे माफ कर दो मैडम। मैं बहुत ज्यादा ना मिसगाइडेड हो गया था मैडम। मैं क्या करता मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। मैं नहीं जानता था कि जो मैं कर रहा हूँ ना वो इतना गलत है। मैं ये भी नहीं जानता था जो दूसरों का घर जलाता है ना उसका खुद घर जल जाता है। मुझे ना मेरी भूल पता चल गई मैडम, मुझे माफ कर दो मैडम, मुझे माफ कर दो। का? क्या नहीं मतलब एक मिनट, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज तक जो लड़कियों की इज्जत को इज्जत नहीं समझता था आज हमारे सामने खड़ा है और हमसे माफी मांग रहा है। नहीं मतलब ऐसा आसमान से ज्ञान प्रकट हो गया जिसने इस जड़ बुद्धि के ज्ञान चक्षु खोल दिए, ऐसा हृदय परिवर्तन? नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा। पुष्पा जी समझाइए कैसे हुआ ये हृदय परिवर्तन? अब हर चीज यही समझा रही है आपको तो ये बात भी वही समझाएंगी। समझाइए अभी हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। अरे केस सॉल्व हुआ ना, वही मुद्दा पकड़ के रख। जय हिंद हसीना जी। जय हिंद। केस की तो समाप्ति हो गई, अब क्या हम आपसे अकेले में वार्तालाप कर सकते हैं? क्या बात हो सकती है, कहीं ने हमारे मिशन के बारे में पता तो नहीं चल गया? अब बताइए आपको क्या बात करनी है? आखिर बख्शी सर हमें सबसे सच बताने से क्यों रोक रहे हैं? ऐसी कौन सी बड़ी इंफॉर्मेशन आने वाली है उनके पास? जी बोलिए। हार्ड डिस्क कहाँ है सीने जी? हार्ड डिस्क? कौन सा हार्ड डिस्क? वही जिसके बारे में हमने आपको फोन पर बताया था। इन हालात में डिस्क के बारे में अनुभव से बात करना सही होगा? क्या सोच रही हैं हसीना जी? हमने पूछा कि हार्ड डिस्क कहाँ है, हमें वो हार्ड डिस्क दीजिए प्लीज। आप सिर्फ हार्ड डिस्क के बारे में बात करना चाहते हैं? जी इस समय हम वही महत्वपूर्ण समझते हैं। प्लीज कैन आई हैव द हार्ड डिस्क? देखिए दरअसल करिश्मा सिंह, क्या आप हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हैं? हम एकांत में हसीना जी से वार्तालाप करना चाहते हैं। मेहरबानी करके आप बाहर जाएंगी, हम थोड़ी देर में आके आपसे मिलते हैं। शायद आपने ठीक से नहीं सुना करिश्मा सिंह, हमने कहा कि क्या आप प्लीज बाहर जा सकती हैं, हम थोड़ी देर में आके आपसे मिलते हैं। भैया हमें आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। हमें आपको ये बताना है कि आप जिसे हसीना मैडम समझ रहे हैं ना, वो हसीना मैडम नहीं है। ये हसीना मलिक नहीं है, उनकी हमशक्ल है। हमारा सर भी ऐसे ही चकरा गया था जब हमें पता चला था कि ये हसीना मैडम नहीं है। हमने पहली बार इनको अपनी आंखों के सामने देखा, ऐसा लगा हूबहू हसीना मैडम। लेकिन फिर पता चला कि ये तो मुंबई में ही पली बड़ी है, वहीं पैदा हुई है, और इनका खानदानी धंधा है वो वड़ा पाव का, और ये वहीं चलाती है, हमको वहीं मिली थी।
सॉरी। तो आप कह रही हैं कि ये हसीना जी की हमशक्ल है, ओके मान लेते हैं। तो अगर ये हसीना जी की हमशक्ल है तो हसीना जी कहाँ है? मैडम सर इस दुनिया में ही नहीं है, वो हम सबको छोड़ के जा चुकी है भैया। देखिए भैया ऐसा हुआ था कि हमारे सामने बोलते हो कि मैं तुम लोग के साथ ए हसीन दिलरुबा बन के लखनऊ लखनऊ तुमको आना है हमारे साथ। हमें मालूम है ये बहुत मुश्किल है इस बात को हजम करना कि अब हसीना मलिक हमारी दुनिया में नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है भैया। आज समझ में आया मौत से बदतर क्या होता है, जीते जी अपने ही मौत का दर्द अपनों के चेहरे पर देखना। जरूरत है आपके भाई को, आपके चाहिए संभालिए उन्हें। नहीं पुष्पा जी, कुछ दर्द जो होते हैं ना वो बांटे नहीं जाते, उनका सामना खुद ही करना पड़ता है जैसे हम कर रहे हैं। हमें माफ करना अनुभव, इस सब के जिम्मेदार हम हैं, फिर भी चाहकर भी आपको सच नहीं बता सकते और आपको इस हाल में अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। हमारे घर की तरफ क्यों जा रहे भैया? रुको रुको, अंदर अंदर ले लीजिए। हाँ चलिए, बस 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 यहीं पर। हमारी मौत की खबर जानने के बाद भी अनुभव डिस्क को लेकर इतने डेस्परेट क्यों हैं? क्यों इन्हें हर हालत में ये हार्ड डिस्क चाहिए? आखिर यहाँ चल क्या रहा है?
सर हम अपने सारे टीम मेंबर्स की अच्छे से छानबीन कर चुके हैं सर. सबके सब इनोसेंट है, किसी का कहीं भी बाहर कोई कनेक्शन नहीं है, सब अपनी ड्यूटी और देश के लिए 100% डेडिकेटेड है सर. इसलिए हमें लगता है कि अब हमें उर्मी का नाटक बंद कर देना चाहिए और असलियत अपनी टीम को बता देनी चाहिए. सुना है अनुभव सिंह वापस आ गए? जी सर. तुमने उससे पूछा नहीं इतने दिन कहाँ था, क्या कर रहा था और फिर अचानक कैसे आ गया? नहीं पूछा सर, उनके लिए हम उर्मिला मात्रे हैं. हसीना मलिक होते तो शायद पूछ लेते, लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? हसीना मलिक, याद है मैंने तुमसे कहा था कि इंटेलिजेंस को बहुत जल्दी एक बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. वो इन्फॉर्मेशन मिल गई है. इंटेलिजेंस को पूरा शक है कि वो गद्दार जिसकी हमें इतने दिनों से तलाश है वो कोई और नहीं अनुभव सिंह ही है. क्या सर, आप ये कैसे कह सकते हैं? हमें भी शौक ही लगा था जब हमें पता चला कि अनुभव सिंह वो आदमी है जो हमारे डिपार्टमेंट में रहकर हमारी देश के दुश्मनों के लिए काम कर रहा है. ये देखिए बहुत अच्छा है. हाँ. नहीं सर, लेकिन अनुभव ऐसा कर ही नहीं सकते. पूरा डिपार्टमेंट अच्छे से जानता है कि अनुभव अपने देश के लिए अपनी ड्यूटी के लिए कितने डेडिकेटेड हैं, कितने ऑनेस्ट हैं. वैसा नहीं कर सकते सर, बिल्कुल नहीं. मैंने अपने 20 साल के करियर में ऐसे बहुत रंग बदलते लोग देखे हैं. कभी सोचा कि अनुभव सिंह को कैसे पता था कि हार्ड डिस्क तुम्हारे पास है? क्या वो हार्ड डिस्क आपके पास है? हाँ हाँ, हमारे पास है. कृपया करके तुरंत वहां से निकलिए और किसी सुरक्षित जगह चले जाइए जिसके बारे में किसी को भी पता ना हो. अनुभव सिंह ने उस दिन तुम्हें थाने से निकल जाने को क्यों कहा? ताकि तुम मीरा की गोलियों का आसानी से शिकार बन जाओ और अगर बच जाओ तो वो लोग खाई में तुम्हें फेंक दे, तुम्हारा नाम और शान मिटा दे. हमारे डिपार्टमेंट के चंद ही लोग जानते थे कि मीरा एक मशीन है और उसे तुम्हारे ही थाने में अपॉइंट किया गया है. ये एम्ब्रॉयडरी देखिए, और अनुभव उनमें से एक था. अनुभव जानता था? हाँ, तो उसके लिए बहुत इजी था मीरा को हैक करके तुम्हें मरवाने की कोशिश करना, तुमसे हार्ड डिस्क निकलवाना. आई एम श्योर वो वापस भी सिर्फ और सिर्फ उसी हार्ड डिस्क के चक्कर में आया. कैसा लगा मैडम ये? लेकिन क्यों, अनुभव को वो हार्ड डिस्क हासिल करके मिलेगा क्या? तुम जानती हो उस हार्ड डिस्क में हमारे टॉप ग्रेड सीक्रेट एजेंट्स के सारे डिटेल्स हैं. कोई भी हमारा दुश्मन उस हार्ड डिस्क के लिए मुंह मांगी कीमत दे सकता है. तो अब अनुभव ने उस हार्ड डिस्क को कितने में बेचा वही जाने. नहीं, हमें यकीन नहीं होता सर. कोई बात नहीं मैडम, यहाँ आइए, यहाँ और चीजें दिखाते हैं. आइए इस तरह, ये देखिए. जानता हूँ, सच कहूँ तो मैं भी यही चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस का शक गलत निकले और अनुभव वही निकले जो हम उसे समझते हैं. और अभी तुम ही कर सकती हो, उर्मिला बनकर उससे उसके मन की बात निकलवा कर तुम ही हो उसकी बेगुनाही का सबूत. सर ये आप, हसीना मलिक, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं, देश की सुरक्षा का सवाल है. उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी पर्सनल फीलिंग्स को साइड में रखकर इस मामले में पूरी ईमानदारी और सच्चाई से काम लोगी और अनुभव सिंह को बेगुनाह साबित करोगी. यही तुम्हें करना चाहिए हसीना मलिक, यही तुम्हारी ड्यूटी है. सर हम अनुभव को धोखा कैसे दे सकते हैं? जैसे उसने तुम्हें दिया था, उसने भी तो तुम्हें धोखा दिया था अपने फर्ज के लिए. तुम्हारा दिल तोड़ा था, वक्त अपने आप को दोहरा रहा है हसीना मलिक. आज तुम वही खड़ी हो जहां कभी अनुभव खड़ा था. अनुभव ने ही तो कहा था फर्ज के आगे कुछ नहीं, देश पहले, बाकी चीजें बाद में. क्या बख्शी सर सही है, अनुभव डिस्क के पीछे हैं और लौटे हुए डिस्क के लिए ही हैं? क्या अनुभव वाकई देशद्रोही है, गद्दार है? नहीं नहीं, हमारा दिल नहीं मान रहा. अनुभव ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते. आखिर सच क्या है? अरे माता रे, क्या हो गया, इस उम्र में पेट से क्या? अम्मा भक, कुछ भी बकैती कर रही हो. अच्छा ठीक है, पेट का लोचा है. अरे माता रे, इस उम्र में पेट का लोचा होता ही है रे. पानी पानी दे, पानी. नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए पानी. पानी को तो हमारे सामने लाओ भी मत. क्यों? अरे मैं समझ गई, आई ना तेरे को जोर से. जा ना किधर, जा ढूंढ बाथरूम जा और जाके आ. अरे मैं पहुंच गई. आज दुकान पे चल, लड़ा हुआ है.
अरे ये मेरी जगह, मैंने बोला रुको 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 थांबा थांबा पुष्पा जी जूस रुको रुको मतलब क्या झगड़ा चल रहा है यहाँ? अरे मैडम ये चुड़ैल है ना यही सब कर रही है, ये जगह मेरी है हाँ, लेकिन जल्दी से आती है और फिर यहाँ अपनी दुकान लगाती है तो मैं कहाँ धंधा करूंगी मैडम बताइए। ओ, 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 बड़ी आई मेरी जगह वाली, अरे तेरी अम्मा ने खरीद के दिए यार। पुलिस खड़ी तुम लोग के सामने लड़ रहे हैं तुम लोग। देखो ये तुम दोनों में से किसी की भी जगह नहीं है ठीक है, अभी इसका फैसला करेगी हमारे थाने की सीनियर पुष्पेंद्र। पुष्पा जी ये बताएंगी कि कौन इधर आज धंधा करेगा। बाहर में जाए सब कुछ, हमें लेके चलिए, हमें लेके चलिए, हमें बाथरूम जाना है कब से। अच्छा थाम 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 मैं करती कुछ। किधर है कौन? अरे इधर बाथरूम किधर है? अभी यहाँ से 1 किलोमीटर तक जाएंगे ना तब तक कोई बाथरूम यहाँ है नहीं है। अरे पर ऐसा कैसा बाथरूम नहीं है, लेडीज मार्केट है, इधर बाथरूम तो होना चाहिए। अरे बनने वाला था, याद नहीं आपको 2 साल पहले आप ही आई थी आप फीता काटने के लिए, वो महिला शौचालय के निर्माण के उद्घाटन के लिए। हाँ उद्घाटन किया था ना, तो फिर किधर है बाथरूम? सिर्फ उद्घाटन ही हुआ था, बाथरूम कोई नहीं बना है इधर। अरे कोई हमारे बारे में भी तो सोचो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम कुछ करते। संतोष गाड़ी निकालो। गाड़ी तो मार्केट के बाहर है ना। क्यों संतु क्यों? रुको मैं गाड़ी लेकर आ रही हूँ पुष्पा जी। जल्दी आना मैडम सर, अब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अरे फिकर न को मतलब फिकर मत करो, हम है ना हम कुछ करते हैं, हम लेकर जाएंगे तुमको किधर। तो बिलट है, अरे झाड़न देना यार, झाड़न दे यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये निठल्ली, आई एम बिलू द स्पाय है, तो इज्जत से बात कर। बोल बिलू जी, वो झाड़न का कपड़ा मुझे दीजिए प्लीज। इधर आ बिलू, ठीक सच बात बताना, जब कभी तुम शीशा के सामने खड़ा होता है तो तुमको खुद को तुम्हारा इज्जत करने का मन करता है? नहीं ना, नहीं जब बाबू क्या होता है ना कि धरती पर कुछ लोग जलील होने के लिए, बेइज्जत होने के लिए ही पैदा होते हैं, तो जितना जल्दी तुम मान लेगा ना इस बात को, बेइज्जती में और भी ज्यादा मजा आएगा बिलोटे, समझा? जान बिल्लू ची, बिल्लू ची निठल्ले चीते, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, संतो जी के बच्चे तुम्हें मामा और उसके पति को तू जीजा बुलाएगा। कितना घटिया बोल दिया, अरे बर्बाद कर देगा तुमको, ऐसे तुम क्या बर्बाद ऐसे कैसे बोलेगा ये, ये तो बोलेगा ना तुमको, अरे कान पकड़। ओ मैडम आपको साफ करना है, कीजिए। ये क्या है मैडम? तब से हम सारा धूल झाड़ रहे हैं, हमारा हाथ का रंग झड़ गया लेकिन ये धूल नहीं झड़ पा रहा है मैडम। तो मैडम एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सब छोटा मोटा काम भी हम क्यों कर रहे हैं मैडम, ये तो कोई भी कर सकता है ना, हम ना किसी को भी बाहर से बुला देंगे, वो आएगा और साफ सफाई करके चला जाएगा, हम बुला दे मैडम। हम कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं चीते, तुम समझ रहे हो हमारी बात को, वो कैसे पेस्ट कंट्रोल के नाम पे हमारे थाने में घुस आए थे उर्मिला के पीछे। चलो सफाई करो। हेलो हेलो मैडम जी, हम कहा बोल रहे हैं कि जिन दो बदमाशों की आपको तलाश है ना, हमने उन दोनों को एकता नगर के गोदाम में जाते हुए देखा है, यही सही मौका है, पकड़ लीजिएगा वरना हाथ से निकल जाएंगे। चीते बिल्लू एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लीड मिला है हमको, तुम लोग हमारा बात सुनो, हमारा बात सुनो, कोई भी कॉल आए मिस मत करना, सारे कॉल उठाने हैं ठीक है, एक कॉल हमें मैडम सर के कातिलों तक पहुंचा सकता है, हम जा रहे हैं और फिर आते हैं, उससे पहले तुम ध्यान रखना हर एक कॉल उठाना है, समझ गए? ठीक है मैडम, ठीक है मैडम। हाँ चल। बहुत भारी है तू, थोड़ा वजन कम कर। अरे कोई है, थोड़ा अर्जेंट है, बाथरूम जाने का है, लेडीज। ए, हम ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अरे अंदर मेरा बच्चा सो रहा है ना। ओ अच्छा अच्छा, अभी जाने दो इनको, सा। पुष्पा जी कोई मिला, मैं जीप लेकर आ गई। तो क्या हम जीप में करें? अरे पूछो तो सही, बाथरूम जा सकते हैं कि नहीं? हाँ लेकिन बिना आवाज के जाना, हंगामा करके कौन जाता है। चलो 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 चलो, उतरो हमें उतरो। एक मिनट रुको, 100 रुपए। 100 रुपए किस बात का? अंदर जाने के।
अरे सोने का शौचालय है क्या? अंबानी यहाँ के दरवाजा खोलेगा? ये हमारा पर्सनल सार्वजनिक शौचालय है, यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पर एक भी बाथरूम नहीं है। मार्केट की सारी औरतें इसीलिए यहाँ पर आती हैं। यही रेट है, मंजूर है तो बोलो, नहीं तो मंजूर है मंजूर है, दे दो ना 100 रुपए। अच्छा अच्छा ठीक है देती है। अच्छा रुको, अब क्या पैसे ये ले पकड़, अभी जाने दे। हाँ चलिए। शांति जी? हाँ हाँ जी, क्या मैं शांति हूँ ना बदली? ओ नहीं नहीं, वो हमें शांति मिली, बहुत सुकून मिला, वो हम ऐसे आ रहे थे। चलिए चलते हैं। हाँ। एक मिनट मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपको पहचान लिया, आप वही है ना हसीना मैडम? आपने कुछ साल पहले महिला शौचालय की नींव रखी थी, उद्घाटन किया था, पर आज तक कोई शौचालय नहीं बनाया आपने। आपकी वजह से तो मेरा ये बाथरूम चल रहा है। अरे पति से ज्यादा कमा कर तो ये बाथरूम दे रहा है, भगवान आपका भला करे। अरे आप भी कितना जोर से बात कर रहे, देखो आपका बच्चा उड़ गया। हाँ हाँ आप लोग फिर आइएगा, सेवा का मौका दीजिएगा, ठीक है? नमस्ते। कैसी औरत है ये, हमने तो कान पकड़ लिया आज कि दोबारा ड्यूटी पर इतना पानी नहीं पिएंगे। और चाय भी? हाँ हाँ चाय वाली। कभी कान पकड़ती है कभी पेट पकड़ती है। चलो चलो वापस थाने भी तो जाना है। शौचालय गया कहाँ? ओह माय गॉड क्या है? इंडिया हो जाओ तैयार, करना मत कुछ भी घोटाला, क्योंकि आ गई है चंद्रमुखी घोटाला। पर शुक्र है सोनी सब का कि गुड नाइट इंडिया ऐसा सीरियल सोनी सब प्यार है। हाँ। बाबू तुम्हारा वाहिया जोक से तुम्हारा फालतू जोक से पीछा तो छूटा है कम से कम, इसीलिए अब सोनी सब पे 31 जनवरी से हर रात 10:30 बजे सोमवार से शनिवार आ रहा है एक बेहतरीन शो गुड नाइट इंडिया। पूरे दिन के थकान के बाद से आदमी आराम से सोएगा ना, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आदमी के दिन का शुरुआती हंसते खिलखिलाते होना चाहिए, सबके दिन का अंत भी तो हंसते खिलखिलाते होना चाहिए ना। अब तो हमारा नाइट ही गुड होने वाला है बिलटे। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद सर। इसे बहुत दिन बाद आप महिला पुलिस थाना में आए हैं सर, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद चितेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी जी। वैसे करिश्मा सिंह कहाँ है? वो आपके आने से पहले ही निकल गए, वो उनको लीड मिला ना इनको नहीं मिला। कोई बात नहीं, हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे। आपको कोई लीड नहीं मिली? नहीं मुझे अभी तक कोई लीड नहीं मिला सर। वैसे ये जो है हमारी गाड़ी की चाबी है जो बाहर खड़ी है, और आप काफी समझदार हैं, आप पता है आपको क्या करना है। हाँ सर दीजिए, साफ कर देता हूँ सर, प्लीज रिलीव मी। स्टार्ट। थैंक यू सर। हम यहीं बैठकर प्रतीक्षा करते हैं। सर सर यहाँ पर ना हम थोड़ा साफ सफाई कर रहे हैं सर, आप मैडम सर के केबिन में बैठकर प्रतीक्षा कीजिए ना, हम बदनामों को बोलते हैं चाय पहुंचाएगा आपको सर। हेलो मैडम जी, हम कहा बोल रहे हैं कि जिन दो बदमाशों की आपको तलाश है ना, हमने उन दोनों को एकता नगर के गोदाम में जाते हुए देखा है। यही सही मौका है, पकड़ लीजिएगा वरना हाथ से निकल जाएंगे। हमें माफ करिएगा करिश्मा सिंह, हमें आपको गुमराह करना पड़ा। हार्ड डिस्क हसीना मलिक के कैबिन में होगा, अब हम उसे हासिल कर लेंगे। हमने जो आपका दिल दुखाया उसका बदला आपने हमसे हमेशा के लिए दूर जाकर लिया हसीना जी। हमें अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप नहीं हो हमारे बीच। अनु भैया आप कुछ ढूंढ रहे हैं? नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं। बताइए हमको, हम आपका मदद करते हैं। नहीं नहीं हम सच कह रहे हैं ना, कुछ नहीं ढूंढ रहे थे।
दरअसल जब सीना जी के कैबिन में आए तो उस दुख का अपराध बहुत थोड़ा बढ़ गया। नहीं भैया, आपने आपने वो मजबूरी में किया था, वो आपका मर्जी नहीं था। नहीं बहना, कोई भी वजह किसी मासूम का दिल दुखाने के पाप को कम नहीं कर सकता। गुनेगार तो हम हैं ही हसीना जी के, इस योग्य तो नहीं, लेकिन ये सोचा था कि कभी उनसे भेंट होगी तो अवश्य क्षमा मांगने का प्रयास करेंगे उनसे, इसलिए यहां उनके एहसास से माफी मांगकर अपने मन का बोझ हल्का करने आए थे। बोझ तो हम भी लेकर चल रहे हैं ना भैया, आज इतना समय हो गया मैडम सर को गए हुए और हम उनके कातिलों तक अभी तक पहुंच ही नहीं पाए, लेकिन हम पहुंचेंगे और ना टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे उन लोगों का। ऐसा टुकड़ा करेंगे ना कि उनका अंतिम संस्कार भी टुकड़ा में होगा, देखना भैया। हमारे अंदर जो ये तेजाब है ना, ये तभी शांत होगा जब हम उनका राख देखेंगे अपनी आंखों के सामने। पर आप ये सब कैसे करेंगी बहना? हमें पता चल गया भैया, वो चीज जिसके वजह से उन्होंने मैडम सर का, वो चीज के बारे में हमें पता चल गया। वो चीज पता कहाँ है? वो एक मिनट भैया, ये जी इसी वक्त आप सरकारी दफ्तर चले जाइए और देखिए ये उर्मिला कौन से नया हंगामा मचाने के मूड में गई है वहाँ। हाँ बस हम बात करते हैं, ठीक है हम बात करते हैं, आप घबराइए मत, ठीक है। हाँ अनुभे, हमें एक जरूरी कॉल करना है, हम आते हैं वापस। वैसे हम भी निकल रहे थे अभी। अच्छा तो फिर आप रात को खाने पे मिल रहे हैं ना? वो हम बाद में देखेंगे, पहले आप अपनी ड्यूटी तो निभाइए। जहन जी, जहन। करिश्मा सिंह की बातों से लग रहा है कि अब इन्हें भी डिस्क के बारे में पता चल चुका है। इतने सारे सवाल, जवाब किसी एक का भी नहीं, एक ही है जिसके जरिए इन सारे सवालों के जवाब तक पहुंचा जा सकता है, उर्मिला महादेव मात्रे। ए, मैं क्या बोलती? मत कर। हाँ चटक सानी बोल। अम्मा तुम काहे इतना उतावली हो रही हो मैडम सर का नाम साफ करने के लिए? हाँ समझाओगी हमको? मैं नाम साफ करने के लिए नहीं आई, मैं इधर तेरा मैडम सर का छवि साफ करने के लिए आई। तेरे को मालूम क्या, कुछ साल पहले तेरी मैडम ने वो लाल चौक में एक शौचालय का उद्घाटन किया था। उद्घाटन हो गया, शौचालय कभी बना ही नहीं। उधर आपके लोगों से मैं बात करके आई, मालूम क्या तेरे को, लेडीज लोग को कितना तकलीफ होता है, मेरे को उनका दर्द समझ में आता है रे, मेरा रेकड़ी है। इसके लिए मैं इधर पता करने की आई है कि काय के लिए वो टॉयलेट अभी तक बना नहीं। कर लगा अभी, करने दे मेरे को मेरा काम, तेरी मदद कर रही है मैं। ठीक है लेकिन एक बात सुन लो हमारी, तुम्हें याद रहे कि तुम उर्मिला महादेव मात्रे नहीं हो, तुम SHO हसीना मलिक को ये मत भूलना, समझ गई? जी ठीक है, हम याद रखेंगे। और कुछ? ठीक है। हाँ भाई, इधर का इंचार्ज कौन है? उधर है, अभी आएंगे मैडम। इधर इधर है मैडम, आइए। थैंक यू। नमस्कार, हमें श्रीधर शुक्ला, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कुछ साल पहले लाल चौक का जो लेडीज मार्केट है, हमने एक लेडीज टॉयलेट का उद्घाटन किया था। टॉयलेट कहाँ है? टॉयलेट किधर है मतलब? अरे कोई बिल्ली थोड़े है मैडम जो भाग जाएगा, जहाँ होना चाहिए वहीं होगा। नहीं है वहाँ टॉयलेट, इसीलिए पूछ रहे हैं। आपको दृष्टि भ्रम हुआ होगा, जाके ठीक से देखिए, टॉयलेट वहीं होगा। अब मैं करती हूँ बात। आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ सुई थोड़ी ना ढूंढनी हमें कि हम जाके ढूंढ ले अच्छे से। टॉयलेट की बात करें, हमने खुद जाके चेक किया, टॉयलेट वहाँ नहीं है। असंभव। कोई बात नहीं, हम अभी अपने ऑडिटर से चेक करते हैं। एक मिनट। नमस्कार, मैं ऑडिटर SS आपकी सेवा में तत्पर। देखिए मैडम, आप लोग ना मेरे साहब को बेकार में परेशान कर रही हैं। टॉयलेट बना, आपके उद्घाटन के 10 महीने बाद ही बनके तैयार हो गया था, और हमारे पास पूरे दस्तावेज भी मौजूद हैं। आप एक सेकेंड, लेजर लाना भाई। ये सरकारी ऑफिस है या कोई दिमाग का अस्पताल है रे? हाँ आप रुकिए प्लीज।
पूरा हिसाब किताब वाला लेजर आप ओपन करके खुद ही देख लीजिए, पेज नंबर 42, कॉन्ट्रैक्टर का साइन भी है। चलिए मैडम सर, जाके उस फर्जी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ते हैं जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। हाँ हाँ, चल चल, फट रही है मेरी। रुकिए, रुकिएगा, कहाँ गया ये? क्या हो रहा है इधर? सब ऐसे ही है क्या? हाँ, नमस्कार। आप लोगों को कॉन्ट्रैक्टर से मिलना था ना? हम ही है कॉन्ट्रैक्टर एसएस जिसने वो महिला शौचालय बनवाया था। आप लोगों की सारी दुविधाएं अभी खत्म की देता हूं। आइए आइए। ये देखिए, ये लाल चाक, ये रहा लेडीज मार्केट, और ये है लेडीज टॉयलेट। मुझे चश्मा और बिना चश्मा कैसे भी देखूं ना, साफ साफ बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। कैसे कह सकती हैं आपकी टॉयलेट नहीं बना? अरे बिल्ली नहीं है मैडम जो भाग जाएगा। ये बात सही है। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। ये अंटा अंटा नहीं नहीं, अफसर भी यही है, कॉन्ट्रैक्टर भी यही है, सब कुछ यही है, तो फिर कैसे बनेगा टॉयलेट? तो आप हसीना मलिक है? अरे छोड़ ना, पूरे देश का दही बना के रखा है तुम जैसे भ्रष्टाचारी लोगों ने। गरीब लोग का तो खून चूस के रखा है। कभी सोचा एक बार के लिए कि मार्केट लोग में वो औरत लोग की क्या हालत होती रहेगी? बना है ना तूने टॉयलेट, बना है ना? हाँ। रुक एक सेकंड, कल सुबह 10 बजे इस टॉयलेट के साथ मेरे को तेरा फोटो चाहिए। वो फोटो मैं पूरे सोशल मीडिया पे डालूंगी, और अगर तू नहीं आया ना कल सुबह तो मैं आएगी इधर, मैं आएगी ना तो तेरे को बहुत भारी पड़ेगा, लिख के ले ले। चल। ये देखो इधर जाले छोटे हैं, साफ नहीं कर रही है। चिकने, मैं क्या बोलती है, ये मेरे केबिन में कोई गया था क्या? हम लोगों का मालूम कौन गया था, हम लोग तो यहाँ पर साफ सफाई कर रहे थे। हाँ। ए टकले कब्बे, तू गया था ना, सच्ची बोल। ये ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आएगा? गजब। डायन भी सात घर छोड़कर तब वार करती है, आप तो अपने घर के आदमी पर शक कर रही हैं। ये क्यों जाएगा? तो फिर तू गया था क्या मेरी याद में मेरे केबिन में? गजब करती। अनुभव 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 सर आए थे। हाँ। वहीं वहां पर बैठकर करिश्मा मैडम का इंतजार कर रहे थे। आप एकदम चल चल चाय पी ले। अरे यार, इसका मतलब अनुभव सर यहाँ डिस्क ढूंढने आए थे? कहीं बख्शी सर ठीक तो नहीं? हमारी आंखों पर पड़ा भरोसे का पर्दा हमें सच्चाई देखने से रोक तो नहीं रहा? तो अभी पता चल जाएगा कि हमारे केबिन में ये क्या कर रहे थे। इतना ज्यादा बोझ लेकर कब तक घूमता रहता, तो सोचा आज उसे हल्का कर दिया जाए। क्या पता कहीं आप तक ये हमारा संदेश पहुंच जाए, क्या पता आप कहीं से हमें देख रही हो। हसीना जी, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अचानक आपको यूं छोड़कर चला जाना और फिर से अचानक यूं आपके जीवन में वापस आ जाना किसी भी दृष्टिकोण से क्षमा के योग्य नहीं है। पर हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं हसीना जी कि जितनी भी बार हमने आपका दिल दुखाया उतनी ही बार हम भी उसी दर्द से गुजरे हैं। हमने भी वही सहा है जो आपने सहा है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि आपका दर्द आपकी आंखों का पानी कह देता था, और एक हम है कि अपना दर्द खुद से भी नहीं कह सके। फिर भी अगर आप हमें देख रही हैं या सुन रही हैं तो हमारी ये विवशता पर समझ कर अगर आप हमें थोड़ा सा भी क्षमा कर देंगी तो हमारे
मन का बोझ हल्का हो जाएगा हसीना जी। हाँ अनुभव सर, बोला। क्या काम है आपको उर्मिला से? आपको कैसे पता हमने कॉल किया है? हमारा नंबर आपके पास आया कैसे? अरे क्या साहब, तुम भी ना, अभी अगर मेरे को हसीना मलिक की एक्टिंग करने को बोला है तो उसका फोन भी दिया होगा ना, तो उसी का फोन है ये और उस पर तुम्हारा नंबर लिखा हुआ गया नाम के साथ, इसके लिए मालूम मेरे को। बोलो क्या हुआ? वो दरअसल उस दिन आपको हसीना जी समझकर हम बहुत कुछ भूल गए, इसलिए क्षमा मांगने के लिए कॉल किया था। अच्छा वो उसका कोई बात ना रही। क्या है ना कि सच्ची बोलूं तो आज तक किसी ऐसे तुम्हारे जैसे हैंडसम आदमी ने मेरे से इतने अच्छे से, इतना प्यार से बात किया नहीं है। बस उसी के लिए हम आज सुबह थाने आए थे, लेकिन आप वहां नहीं थी। ओह तो इसलिए सुबह आए थे। अच्छा अच्छा हाँ, वो मैं, मेरे को कुछ काम था तो इसके लिए मैं बाहर गई थी। अरे तुमको पहले बोलने का था ना, तुम जिधर बोलते हैं मैं आ जाती। ले दोबारा कभी तुमको फोन करने का हो तो करो, बिंदास, टेंशन नहीं। जी धन्यवाद। ये क्या हो रहा है? हमारा मन मान क्यों नहीं रहा है कि हसीना नहीं है? तो फिर इसके पास हमारा फोन नंबर कहां से आया? पता लगाना होगा। हमारा दिल क्यों कह रहा है कि अनुभव सर वो नहीं हो सकते जो बख्शी सर कह रहे हैं? आइए आइए, सामने आइए, हमारे सामने आइए। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं उन खास मेहमान से जिन्होंने कहा था कि उन्होंने यहाँ पर शौचालय बनवाया है। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मिस्टर श्रीधर शुक्ला का। जी तो जैसा कि आपने हमसे कहा था कि आपने शौचालय बनवाया है, ये रही वो जगह, कहाँ है शौचालय? अरे ये कहाँ गया? अरे यही तो था, कल तक यही था, हमने खुद खड़े होके बनवाया था, भाई कहाँ गया? क्या चूरन समझे हो क्या? अगर कल तक यही था तो कहाँ का, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है। हम सच कर रहे हैं मैडम, टॉयलेट यही था, हमने खुद बनवाया था, चार पतरा ऊपर, उसके बाद नीचे बांस बल्ली, चार एकदम मजबूत भरोसेमंद टिकाऊ मैडम, बड़े बड़े बारिश में तूफान में भी नहीं हिलने वाला, मतलब सारे मटेरियल के गुणवत्ता का जांच हमने स्वयं से किया था, पूरा निरीक्षण किया था मैडम। अब यहाँ पे साइनबोर्ड भी लगवाया था, महिला शौचालय, देखिए अभी भी साइनबोर्ड है, यहाँ पे ये भी लिखवाया था ऑनली फॉर लेडीज, वो ऑनली फॉर लेडीज भी गायब है, टॉयलेट भी गायब है मैडम। अच्छा आप लोग यकीन नहीं आ रहा ना, एक सेकेंड। अरे भाई साहब, हाँ आप दोनों सुनिएगा भाई साहब, हम क्या कर रहे हैं, आप दोनों यहीं के रहने वाले हैं ना? हाँ। मतलब लोकल बाशिंदे हैं। हाँ। आप ये बताइए कि यहाँ पे कोई लेडीज टॉयलेट हुआ करता था? हाँ हाजी था तो सही। भाई साहब हम क्या कर रहे हैं, आप ये बताइए कि यहाँ पे कोई लेडीज टॉयलेट हुआ करता था? हाँ हाजी था तो सही, अभी कुछ दिन पहले तो यही था सर। गलती से कभी हम अंदर चले जाते थे तो होते बाहर से शोर मचा मचा के मैं भगा दिया करती थी। तो कितना झूठ बोल रहा है ये? नहीं मैं सही कह रहा हूँ, सालों से देख रहा हूँ कि महिला शौचालय, लेडीज टॉयलेट, चार पतरे ऊपर, चार बांस बल्ली, पर्दा भी होगा आगे। हाँ बताइए।
जो बोलना है सोच समझ के बोलो, समझ रहे हो हमारी बात को? झूठ का साथ देने वाला झूठ बोलने वाले से बड़ा दोषी होता है, समझ रहे हो? सच बोलो। अरे मैडम जी, क्या अभी मतलब ये लोग यहाँ के सीधे साधे लोग हैं, बाशिंदे हैं, ये बेचारे क्यों झूठ बोलेंगे? अच्छा कोई बात नहीं है, आप सबको इनकी बात पे भी भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो हम आप सबके सामने एक ऐसा सबूत पेश करेंगे अभी जो निर्विवाद रूप से ये प्रमाणित कर देगा कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं 100% सच कह रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे हैं। और ये रहा मैडम जी सबूत। आप भी देखिए, आप लोग भी देखिए, देखिए मैडम जी, है ना? हो गया सर। थोड़ा पीछे हटना। हसीना मलिक जी, कल आपको पता चल जाएगा कि किससे पाला पड़ा है। बहुत पुराने वाले पापी हैं हम। मुझसे जो उलझता है ना, फिर उलझते ही चला जाता है। अब बताइए आप लोग, इसमें हमारी क्या गलती है? दरअसल में गलती हमारी नहीं है, गलती इन लोगों की है, पुलिस वालों की। दरअसल क्या है ना कि टॉयलेट जो है ना वो चोरी हो गया है। हमारा काम है टॉयलेट बनाना और इनका काम है सुरक्षा देना, जो ये नहीं दे पाए। देखिए मैडम जी, अब हमारा FIR लिखिए आप, पता लगाइए और बताइए कि वो कौन है जो हमारे खिलाफ ये घिनौना षड्यंत्र कर रहा है। इन बेचारी महिलाओं का शौचालय ढूंढ कर इनको दीजिए। अरे हम पूछते हैं, आप लोग से भी पूछते हैं कि अगर यहाँ पे महिला शौचालय नहीं था तो क्या अभी तक किसी महिला ने या किसी समाज सेवी ने या किसी एक्टिविस्ट ने आपके थाने में या इस शहर के किसी भी थाने में कोई रिपोर्ट लिखवाया? नहीं लिखवाया ना, मतलब टॉयलेट था और चोरी हो गया। देखिए मैडम जी, अब आपको ही पता लगाना ही होगा कि कौन हमारे खिलाफ घिनौना षड्यंत्र कर रहा है। ये जो पूरा मामला है ना, सरकारी संपत्ति का है। शाम तक का समय देता हूँ, अगर शाम तक टॉयलेट ढूंढ के नहीं लाई तो आपके थाने के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, सबके सब नपेंगे। जहां तक हम हसीना जी को जानते हैं, चाहे कुछ भी हो, वो प्रतिदिन इसी समय अपने अब्बू की कब्र पर जरूर आती थी। अगर उर्मिला उर्मिला नहीं हसीना मलिक है तो आज भी वो जरूर आएंगी। कैसी हैं हसीना जी? संदेह तो हमें शुरू से ही था कि आप वो नहीं हैं जो दिखाने का प्रयास कर रही हैं, पर कमाल की अभिनय क्षमता है। हम भी थोड़े वक्त के लिए आपके सरचोर झूठ के भंवर में गुमराह हो गए,
आखिरकार सच सामने आ ही गया। राज मेरे सामने है हसीना मलिक। तो पूरा सच आपको पता चल ही गया? पूरा तो नहीं, पूरा सच तो आप हमें बताएंगी कि ये सब क्या चल रहा है, आखिर क्यों आपको हसीना से उर्मिला बनना पड़ा।